Hi guys, good morning. So let's complete today the trigonometry part first. It is being divided in technically into two sections. So let's now divide this particular trigonometry first. Okay. So let's try and understand first of all what actually we did learn since the last 2 days. We studied the part that trigonometry is nothing else but is a geometry of triangles, and in this particular class we'll be only focusing on the word right angle triangles. फिर हम लोगों ने उसका adjacent side, hypotenuse, perpendiculars, हम लोगों ने ये सारा का सारा निकालना चालू किया. हम लोगों ने बताया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं, लाइक परपेंडिकुलर को लोग बाग ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं, ऑपोजिट साइड को लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को लोग बेस भी बोलते हैं और बेस को एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन वी रीड सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस, ओके, एज इन हाउ टू फाइंड आउट बाय द वे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑल द साइड्स एंड देन फाइंड आउट ऑल द एंगल्स. नाउ टुडे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज टेक्निकली आज के जो फॉर्मुलेज हैं ये आपके लाइफ लॉन्ग तक रहेंगे, जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री इतना डेंजरस टॉपिक माना जाता है. दो आई डोंट नो व्हाई इट इज नोन एज डेंजरस, बट नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. सो द फर्स्ट फॉर्मूला व्हाट यू हैव टू लर्न इज, एंड दैट द अदर फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं. रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया. Now let's first of all move on to the word table, trigonometric table. Trigonometric table. Now what technically the trigonometric table says? कुछ नहीं करना होता है आपको. यहाँ पर थीटा लिखना है, यहाँ पर लिखना 0 degrees, यहाँ लिखना 30 degrees, यहाँ लिखना 45 degrees, यहाँ लिखना 60 degrees, यहाँ लिखना 90 degrees, that's all. फिर यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज लिख देना. सो राइट यहाँ पर साइन थीटा, देन राइट कॉस थीटा, देन राइट टैन थीटा, देन राइट साइन का उल्टा इज कोसेक थीटा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा, देन राइट कॉस थीटा का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा, एंड देन राइट टैन थीटा का रेसिप्रोकल इज गोइंग टू बी कॉट थीटा. इट्स वेरी वेरी सिंपल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट. नाउ 0 degree, आपको कुछ नहीं करना, पूरी की पूरी टेबल बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं होती है. व्हाट यू नीड टू डू इज ओनली लर्न दीज वैल्यूज, द साइन थीटा के जो नीचे आप उनकी वैल्यूज. उसके लिए भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं विच आई ऑफ कोर्स टेल यू लेटर ऑन. राइट नाउ साइन 0 इज ऑलवेज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 degree इज 1/√2, साइन 60 degree is root 3 upon 2, sine 90 degree is 1, that's all. आपको बस पूरी की पूरी टेबल में केवल ये लर्न करना है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, sine 0 is always 0, sine 30 is 1/2, sine 45 is 1/√2, sine 60 is root 3/2, and sine 90 is 1, that is all, that's all. Okay, अब सर लेकिन ये भी तो करना है. ऑफ कोर्स यस करना है. कैसे करोगे? इस टेबल को सेम टू सेम इसको ऐसे लो, ऐसे करके स्टिक कर दो. सर क्या बोल रहे हो, लेट्स सी. यहां पर 1 लिखा है, 1, यहां पर √3/2 लिखा था, √3/2, यहां पर 1/√2 लिखा है, 1/√2, यहां पर 1/2 लिखा है, 1/2, यहां पर 0 लिखा है, एंड दैट्स ऑल. कुछ नहीं करना, केवल बस इस वैल्यू को रखना है. तो व्हाट इज साइन 0? इट्स 0. व्हाट इज साइन 30? 1/2. व्हाट इज साइन 45? 1/√2. व्हाट इज साइन 60? √3/2. व्हाट इज साइन 90? 1. व्हाट इज कॉस? यदि आपको करना है उल्टा करो, यहां पर लगा दो. तो व्हाट विल बी कॉस 0? 1. व्हाट विल बी कॉस 30? √3/2. व्हाट विल बी कॉस 45? 1/√2. व्हाट विल बी कॉस 60? 1/2. व्हाट विल बी कॉस 90? 0. एंड दैट्स ऑल. सर अब 10 कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. यदि आपको याद होगा हम लोगों ने कल ही किया था, tan theta should be equals to sin theta upon cos theta, या परसों किया होगा, tan theta should be equals to sin theta upon cos theta. So when you are going to write tan theta equals to sin upon cos, orally दिमाग के अंदर this upon this, this upon this, 0 upon 1, 0,
वन अपॉन टू अपॉन रूट थ्री बाय टू, टू से टू कट, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू पूरा कैंसिल, वन रूट थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू, टू से टू कैंसिल, रूट थ्री, वन अपॉन जीरो. वेन एवर यू हैव गॉट अ जीरो इन द डिनोमिनेटर ऑलवेज रिमेंबर द आंसर विल इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, इट इज नोन एज इनफाइनाइट. सो वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड. ओके, आप एन डी भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का सिंबल भी बना सकते हो. ओके, लाइक दैट. नाउ कोसेक, वॉट डू यू मीन बाय कोसेक? कोसेक कॉमन सेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन. मतलब यदि कभी किसी ने आपसे पूछा तो कोसेक थीटा शुड बी इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा, इज इट इट? सो इफ कोसेक थीटा शुड बी इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा, वेरी सिंपल, जो भी यहां पर लिखा है तो वन अपॉन दिस, वन अपॉन दिस, वन अपॉन दिस, बस यही करना है, इसको उल्टा करना है. तो वन अपॉन जीरो करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो, इट विल बी नॉट डिफाइंड. ओके, वन अपॉन दिस तो टू, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर जाएगा, इट विल बिकम टू. कुछ नहीं करना, इन सारी वैल्यूज का उल्टा करते जाओ. सो वन अपॉन रूट टू का उल्टा, रूट टू, देन रूट थ्री अपॉन टू का उल्टा, टू अपॉन रूट थ्री, देन वन का रेसिप्रोकल, कॉमन सेंस इट इज गोइंग टू बी वन, दैट्स ऑल. Then comes sec theta. किसका reciprocal होगा? Cos theta का. So what is 1 upon 1? It is going to be 1. What is root 3 upon 2? It is going to be 2 upon root 3. What is 1 upon root 2 का reciprocal? It is going to be root 2. What is 1 by 2 का reciprocal? It is going to be 2. What is 0 का reciprocal? 1 upon 0 is once again not defined. Right? Then comes cot theta. Cot theta किसका reciprocal होता है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से. sec theta reciprocal tha 1 upon cos theta ka, and then cot theta reciprocal hota hai 1 upon tan theta ka. To jo bhi tan theta ki values dekhiye un sab ka reciprocal karte jao. 1 upon 0 not defined, 1 by root 3 but ka ulta will be root 3, 1 ka reciprocal common sense it will be 1, then root 3 का reciprocal 1 by root 3, then not defined का reciprocal. अब common sense सोचो, when 1 upon 0 is not defined, तो 1 upon not defined will always be 0, and that's all, the table is done. Majority students हमेशा यहाँ गलती करते हैं, so please do not do the same mistakes. Okay, now मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ द लास्ट टू डेज के लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड दिस लेक्चर व्हाट इज बीइंग यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी टॉट टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर क्लास 10th, 11th एंड 12th. इफ यू आर एबल टू डू दिस, देन इसके आगे वाले क्लासेस में जो कॉन्फिडेंस बनता है स्टूडेंट का इन ट्रिग्नोमेट्री, ही विल बी एबल टू जस्ट सॉल्व इट आउट. ओके, नाउ सो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन जीरो जीरो, साइन थर्टी वन बाय टू, साइन फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू, साइन 60 इज रूट 3 बाय 2, एंड साइन 90 इज 1. नाउ कभी कभी जैसे स्कूल के अंदर या क्लासेस के अंदर या कहीं पर भी कभी लोग आपसे पूछेंगे कि ये इसका मतलब क्या है एक्चुअली में. साइन थीटा, मैंने आपको फर्स्ट डे पे फर्स्ट लेक्चर पे इसकी स्पेलिंग बताई थी, इट्स एस आई एन ई. एक्चुअली में फिजिक्स के अंदर ये बहुत यूज करते हैं हम लोग इन क्लास 12th, एंड दैट इज नोन एज साइनोसॉइडल कर्व. व्हाट डू यू मीन बाय साइनोसॉइडल कर्व? यदि आप इस पूरे के पूरे टेबल को ढंग से देखो, ये साइन का टेबल, कॉस का, टैन का, कोसेक, सेकेंड कॉट का, इसमें से कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनमें नॉट डिफाइंड आता ही नहीं है? चेक करो, साइन में नॉट डिफाइंड नहीं आता, कॉस में नॉट डिफाइंड नहीं आता, इसको छोड़ के सब में नॉट डिफाइंड आता है. इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी ब्रेक करता ही नहीं है. सर ब्रेक नहीं करता मतलब, अभी मैं आपको जब ग्राफ बना के दिखाऊंगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. कॉस थीटा कभी ब्रेक नहीं करता. सो इसका मतलब यदि कभी किसी ने पूछा भी कोई 11th या 12th या जनरली कभी यू नो फॉर द पार्ट ऑफ नॉलेज, इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा और आर साइन थीटा एंड कॉस थीटा फंक्शंस कंटिन्यूअस? ऑफ कोर्स यस, दे आर द ओनली टू फंक्शंस इन ट्रिग्नोमेट्री व्हिच आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं. What about these particular functions, tan, cosec, second cot? They are not continuous. Why? Because this is not defined.
And if something is not defined, it is not defined. If this is not defined, it is not defined. Now let's try and understand with the help of a graph. Let's say suppose मुझे graph बनाना है. Okay, so I'm purposely drawing a small graph somewhere over here. ये रहा मेरे पास में zero. Okay. ये मैंने मान लिया x, ये मैंने मान लिया y, ये मैंने मान लिया y dash, ये मैंने मान लिया आपका द x dash. Okay, यही ऐसे ही बनाते हो ग्राफ आप. Now ये पॉइंट को मैंने मान लिया zero, इस वाले जानबूझ के इस वाले पॉइंट को मैं मानता हूँ one, and then इस वाले पॉइंट को मानता हूँ minus one, and so on and so forth. अब जब आप sin theta का ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे तो zero डिग्री पे कितना बन रहा है? Zero. तो ये ग्राफ यहाँ से चालू होगा. 30 डिग्री पे ग्राफ कहाँ जाएगा? 1 अपॉन 2 का मतलब होता है 0.5. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा हाफ पर समवेयर हो गया. देन 45 पे 1/√2. 1/√2 का मल्टी मतलब यदि आप डिवाइड करोगे तो रूट टू को मैंने जानबूझ के रैशनलाइज कर दिया, तो √2/√2 ऊपर न्यूमरेटर में आएगा √2, डिनोमिनेटर में आएगा √2 × √2 विल बी 2. रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन 2 विल बी 0.707. सो दिस विल बी 0.707 वुड बी समवेयर ओवर हियर. देन √3/2 की वैल्यू होती है 1.732/2 इट विल बी 0.87. ये आ गया 0.87. देन ये आ गया 1. एंड द सो कॉल्ड जब आप इसका ग्राफ एक्चुअली बनाते हो द ग्राफ वुड बिकम समथिंग लाइक दिस. ऐसा ग्राफ बनता है. अब जब दोबारा से आप साइन 90 के आगे जाना चालू करते हो द ग्राफ मैक्सेस आउट पीक्स आउट एट 1 एंड देन अगेन कम्स बैक टू 0. ये 0 कहां पर आएगा? पहले ये 0 पे 0 था, 90 पे इसने पीक अटेन किया, दैट इज 90 डिग्रीज पे, एंड ये 180 डिग्रीज पे क्या हो गया? अगेन 0 आ गया. फिर 180 के बाद में अगेन ही नीचे जाएगा, ऐसे अगेन पीक अटेन करेगा एंड अगेन यहां पर. So this part 90, 180, 270 पे अगेन नीचे पीक करेगा नेगेटिव पे एंड फिर से 360. एंड दिस इज नोन एज साइनोसॉइडल कर्व. यदि आपने थोड़ा बहुत भी फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो यू वुड अंडरस्टैंड, ये सुना होगा, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट. तो प्लीज रिमेंबर साइन थीटा का ग्राफ देखो कभी भी ब्रेक नहीं होता. आप इसको बनाते जाओगे ये ऐसे 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 बनता रहेगा. दैट्स ऑल. सच काइंड ऑफ वेव विच फॉलोज द फंक्शन ऑफ साइन और द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन विल बी नोन एज साइनोसॉइडल फंक्शन. एंड ऑफ कोर्स हम सब लोगों को ऐसी चीजें ही चाहिए होती हैं जो कभी भी ब्रेक ना करें. सो दैट इज अ नॉन ब्रेकिंग कर्व, इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व. सो साइन फंक्शन विल ऑलवेज रिमेन कंटिन्यूअस. सर व्हाट अबाउट कॉस देन? थिंक लाइक दिस. कॉस जीरो पे क्या कर रहा है? वन आता है. इसका मतलब है यदि मैं सेम ग्राफ को बनाऊंगा तो मान लो मैं इसी ग्राफ पे बना रहा हूं तो कॉस जीरो पे ये डायरेक्टली कहां पर आएगा? यहां पर. फिर कहां पर आ रहा है? कॉस √3/2 वैल्यू कम होती जा रही है बिकॉज इट इज 0.866. तो ये ग्राफ कैसे आएगा? दिस ग्राफ वुड बी गोइंग समथिंग लाइक दिस. फिर ये वापस यहां पर पिक करेगा एंड देन And then, so on and so forth. So actually, मैं यदि आप ढंग से देखोगे, so जिस particular जगह पर, जहाँ पर zero आ रहा था, sine के इस पे वो zero था, cos पर वो maximum हो जाता है. जहाँ पर ये 30 आता है, जहाँ पर sine 0.5 आता है, वहाँ पर ये कितना आता है? 0.866. मतलब exactly इनकी values उल्टी चल रही हैं. इसीलिए sine function and cos function को हमेशा हम लोग complementary functions बोलते हैं. क्यों बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस? बिकॉज साइन कैन बी वेरी इजीली कन्वर्टेड इनटू कॉट, सॉरी कॉस, यदि आपने उसमें 90 प्लस या 90 माइनस किया. बट अभी हम उतने डीप में नहीं जाते हैं. सो लेट्स रब दिस ऑफ. बट हाँ, बेसिक क्वेश्चन के लिए मैं आपसे ये पक्का पूछूंगा दैट विच फंक्शंस इन ट्रिग्नोमेट्री आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, विच फंक्शन इज नोन एज साइनोसॉइडल फंक्शन. सो डोंट नॉट से द वर्ड साइन फंक्शन इज नोन एज साइनोसॉइडल. Sine function and cos function both are known as sinusoidal function because both do not break, they'll form a continuous chain. But haan, sinusoidal function to keval sine hi rahega. Cos ke liye there is no term known as cosoidal function, but of course yes, it is a continuous function. Tan ka yadi aap kabhi bhi graph banaoge to it is not in the same way. Tan hamesha zero se hi start karta hai, matlab the graph, just for the sake of knowledge,
द ग्राफ विल स्टार्ट लाइक दिस एंड विल गो लाइक दिस, ये ऐसे चला जाता है ऊपर इन्फिनिटी तक. सो इसका मतलब है ग्राफ पूरा कंटिन्यूस कभी होता ही नहीं है, इट जस्ट कीप्स ऑन ब्रेकिंग. ओके, सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये लर्न करना है. कॉस कैसे निकालोगे, इस पूरे को ऐसे उल्टा करो, चपका दो. फिर टैन कैसे करोगे, साइन अपॉन कॉस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस. उसके बाद में कोसेक साइन कॉट, तो आई थिंक इवन क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड गाय कैन डू ना. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं. So I'm just rubbing this off. If you want to note down this table, you can take a snapshot or a screenshot. Okay. Now, aaj se I'm not going to give you sheets on WhatsApp because you know some of the guys on YouTube are actually joining from different other places as well. So what I'll be doing is I'll be now writing at the end or in between somewhere. I'll be writing questions on the board, which you have to do it, and of course send me the answer on WhatsApp. And of course I'll you know forward the number on or at the end of the video. Okay, fine. Matlab jo log already group ke andar added hai, they have to by the way solve this on a sheet of paper, on the notebook and whatever, and they have to send it back. Okay, now let's now move on to the questions. Now first of all, so what kind of questions might come because of this particular table? So let's see. सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया समथिंग लाइक दिस. फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 डिग्रीज इनटू कॉस 60 डिग्रीज. नाउ ये इनटू का साइन नॉर्मली पहले लगाते थे, आजकल आप डॉट ही लगाते हो. डॉट मीन्स इनटू. ओके, साइन 30 इनटू कॉस 60. यदि आपको टेबल ध्यान होगा जो अभी अपने बनाया था, एंड ध्यान रखना आज का एक क्वेश्चन आपके शीट में यह होगा ही होगा, draw trigonometric table without seeing. Requesting you guys, आप गलत करो या सही रखो, you know I will not shout of course because right now you know. But guys either way I never ever shout onto the part when somebody does a wrong table. But हाँ, जब आप गलती करते हो तो आप सीखते पक्का. So requesting you कि जब भी आप ये table बनाओगे, please guys एक बार खुद से try करना. Trust me, lifelong रहती है table. So sin 30 की value from the table, if you can see, is 1/2. Cos 60 की value from the table is again 1/2. So answer is 1 into 1, 1, 2 into 2 is 4, and that's all as the answer. मान लो किसी ने आपको question दे दिया sin square 30 degrees minus cos square 60 degrees. Sin square 30 degrees minus cos square 60 degrees. Okay. मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वॉट डू यू मीन बाय साइन स्क्वायर. इट सिंपली मीन्स साइन 30 डिग्रीज का होल स्क्वायर माइनस कॉस 60 डिग्रीज का होल स्क्वायर. सो साइन 30 की वैल्यू विल बी 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर. यू डोंट नीड टू ओपन द ब्रैकेट नाउ, कॉमन सेंस दे विल गेट कैंसल्ड एंड आंसर इज 0. दैट्स व्हाट हैपेंड. लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स. क्वेश्चन, cosec 45 degrees dot sin 45 degrees dot cos 60 degrees dot sin 90 degrees dot cot 30 degrees, and that's all you need to solve this. अब कैसे करोगे, कुछ नहीं, टेबल में से वैल्यू देखनी है. cosec 45 की वैल्यू इज रूट 2, क्योंकि sin 45 इज 1/√2. Sin 45 is 1/√2, so let's write 1/√2. Root 2 and root 2 common sense will get cancelled. Now trick number 1, जब cosec और sin दोनों एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है तो वो कॉमन सेंस कट ही जाएंगे. ओके, 1 आता है, 0 मत करना प्लीज. डॉट cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2. डॉट sin 90 is 1. डॉट cot 30 is root 3. सो what is the final answer? 1/2, तो यहां पर आ जाएगा रूट 3/2, एंड दैट्स ऑल. किसी ने आपको क्वेश्चन लिख दिया cos square 60 degrees minus sin square 45 degrees whole upon cos 60 degrees minus sin 90 degrees, चलेगा? ओके, लेट्स नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो कैसे करोगे, कॉस 60 ये वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2
होल स्क्वायर, बिकॉज कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस 60 का स्क्वायर ही होता है. सो 1 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45. साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2 होल स्क्वायर होल अपॉन कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 बाय 2. ओके, साइन 90 की वैल्यू होती है 1. अब क्या करोगे, ऊपर है आपके पास में 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 होल अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज माइनस 1 अपॉन 2. हाफ में से आप 1 को माइनस करोगे तो माइनस हाफ ही बचेगा. 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 विल बी नोन एज व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4. यदि आपने 1 अपॉन 4 में से आपने हाफ माइनस करा, तो यदि आप एलसीएम से भी करना जानते हो तो 4 एंड 2 का एलसीएम विल बी 4. 4 1s आर 1 माइनस 2 2s आर 2, 1s इज 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 बाय 4, तो माइनस 1 बाय 4 ही आएगा. होल अपॉन माइनस 1 बाय 2, माइनस माइनस साइन कैंसिल, दिस 2 विल गो इन द न्यूमरेटर, सो दिस विल बिकम 2 अपॉन 4, एंड फाइनली द आंसर इज 1 अपॉन 2, एंड दैट्स ऑल इज द आंसर गाइस, एंड इट्स डन. सो इफ यू कैन सी दिस, कुछ भी नहीं करना है, टेबल में से लेना है, वैल्यूज पुट करना है. क्या सर हमें टेबल एग्जाम में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको खुद को बनाना पड़ता है. सो ट्रिग्नोमेट्री में दो ही तरीके होते हैं, फर्स्ट इज मेक द टेबल, ओके, एंड देन द क्वेश्चन विल बिकम वेरी वेरी सिंपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस? सो लेट्स मूव ऑन टू दिस. नाउ ये जो टॉपिक मैं जो आपको बता रहा हूँ, टेक्निकली ये आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं जिस ढंग से करा रहा हूँ उस ढंग से नहीं होगा. मैं जो आपको भी करा रहा हूँ, दिस इज क्लास 11th एंड 12th का भी पार्ट इसमें आ जाता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स ऑल्सो अ शॉर्टकट ट्रिक. नाउ लेट्स ट्राई एंड सी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, what do you mean by complementary functions? So complementary functions can be said as, first, jin logon ka bhi sum ya koi bhi do angles ka sum yadi 90 degree aata hai, then they'll be known as complementary functions. For example, 30 and 60, 60 plus 30 comes out as 90, 20 and 70, 90, 45 and 45, 90, 10 and 80, 90, all of these are complementary functions. Okay, now, sabse pehle to main yahan par ek graph banata hu. Guys, very very important. So this is your x-axis, this is your x dash, this is your y dash, and this is your y, and this is the hot favorite zero. Okay. जब भी कभी आप coordinate geometry या trigonometry start करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, this is known as the first quadrant, this is known as the second quadrant, this is known as the third quadrant, and this is known as the fourth quadrant. Now very very important part, first, second, third and fourth. अब बच्चों वाला पहला question, 0 to 90 degrees, ये होता है 0, क्योंकि ये 0 की line है, and ये 90 degrees, 90 के बाद में ये वाला part कितना हो जाएगा, 180, तो यहाँ पर लिख देते हैं 180. अब ये क्यों होगा 180, because 180, 180 plus 90 is 270, और 270 प्लस 90 इज 360. तो सर लेकिन अभी तो आपने यहाँ पर जीरो लिखा है, जीरो और 360 दोनों सेम ही एंगल्स होते हैं. अब मिल गया आपको आंसर. सपोज करो किसी ने आपसे पूछा, अच्छा यदि आपको इतना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री आता है तो बताओ साइन 360 की वैल्यू कितनी होती है. साइन 360 मीन्स क्या, साइन जीरो, तो साइन 360 की वैल्यू वही होगी जो साइन जीरो की होती है, कितनी, जीरो. किसी ने पूछा अच्छा बताओ cos 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है. जब cos 360 की वैल्यू मतलब cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, तो cos 360 भी 1 ही होगा. इट्स सो सिंपल. ओके, सो पहली ट्रिक तो मालूम पड़ चुकी है आपको, एंड द सेम पार्ट गोज फॉर ऑल द एंगल्स. अब बढ़ते हैं आगे. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में केवल कुल मिलाकर के दो या तीन रूल्स होते हैं, दो या तीन ट्रिक्स हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली अ वे टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट बेटर, ताकि आप कभी भी गलती ना करो. अदरवाइज आई कुड हैव रिटन द फोर फॉर्मूलाज, फाइव फॉर्मूलाज, सिक्स फॉर्मूलाज और एट फॉर्मूलाज, एंड यू कुड हैव लर्न दैट, बट लर्निंग इज जस्ट सो अनकूल. सो लेट्स ट्राई एंड सी. ध्यान रखना, दिस इज ओनली अ ट्रिक, दैट्स नॉट अ मेथड.
बट ऑफकोर्स यस, क्योंकि अभी आपके एग्जाम के अंदर है भी नहीं, बट आपके एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, तो उनको लर्न करने के बजाय ऐसे कर लोगे तो इस साल भी हेल्प मिलती है और अगले साल भी. सो लेट्स सी दिस. कभी किसी ने आपसे पूछा 120 degrees, 120 degrees कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? दिस इज द लेवल वन काइंड ऑफ क्वेश्चन. 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है? सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में आता है, तो 120 किस में आएगा? 90 से 180 के बीच में. सो व्हाट इज योर आंसर? सेकंड क्वाड्रेंट. किसी ने पूछा, अच्छा बताओ 180 से 270 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है? थर्ड क्वाड्रेंट. तो किसी ने आपको बोला 215 degrees, थर्ड क्वाड्रेंट. अच्छा 289 degrees, फोर्थ क्वाड्रेंट. 270 और 360 के बीच में, दैट्स ऑल. करेक्ट. तो दिस इज द ट्रिक नंबर वन. अब आते हैं पहले ट्रिक नंबर टू के ऊपर में. तो यहां मैं दो चीजें लिख देता हूं, ऑड एंड इवन. नाउ प्लीज अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, दिस इज ओनली अ ट्रिक टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ यहां पर ऑड और इवन भूल जाओ जो आपको ऑड और इवन मालूम है. आपको ऑड और इवन का मतलब मालूम होगा, ऑड वो नंबर्स होते हैं जो आइडियली यू नो 1, 3, 5, 7 विच के नॉट बी deducted or divisible by 2, they will be known as odd number. No. I am not talking about those odd and even. इसको ट्रिक ऐसा होता है, 9 का टेबल आता है आपको. सो लेट्स राइट 9 का टेबल यहाँ पर लिख देते हैं गाइस साइड में. सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 into 1 is 9, बट मैं जानबूझ के इसको 90 लिख देता हूँ. 9 into 2 is 180. ओके, आई मीन 90 into 1, 90 into 2. 90 into 3 should be equals to 270. 90 into 4 should be equals to 360. 90 into 5 should be equals to 450. And 90 into 6 should be equals to 540. And so on and so forth. चलता रहेगा आगे. ओके, अब आपको ऑड और इवन कैसे चूज करना है, और कुछ मत देखना, केवल ये वाले नंबर्स देखो, दीज नंबर्स. अब मान लो मैंने आपको बोला इसमें से कौन कौन से ऑड हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1, 2, 3 मत बोलना, आप क्या बोलोगे? 90 इज ऑड, 270 इज ऑड, 450 इज ऑड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. गॉट इट? आपको इन नंबर्स को देखना है एज ऑड, विच आर इवन नंबर्स. 180 इज इवन, 360 इज इवन, एंड 540 इज इवन, एंड जो भी आगे चलते रहेंगे. गॉट इट? अब रूल सुन लो इसके आगे का. ऑड, ऑड के लिए वेरी सिंपल, जब भी कोई ऑड फंक्शन आता है तो हमेशा ध्यान रखना साइन थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज इनटू कॉस थीटा. साइन थीटा हमेशा चेंज हो जाता है किसमें? कॉस थीटा में. और कॉस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में. तो साइन थीटा इज गोइंग टू चेंज इनटू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज गोइंग टू चेंज इनटू साइन थीटा. देन टैन थीटा is going to change into cot theta, and cot theta is going to change into tan theta. Then sec theta is going to change into cosec theta, and cosec theta is going to change into sec theta. Even mein koi nonsense hai hi nahi, no change. What do you mean by the word no change? Aap yahan par sign aayega to bhi wo sign hi rehta hai, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा, टैन होगा टैन रहेगा, कॉट होगा कॉट रहेगा, कोसेक कोसेक, कोई चेंज नहीं होता. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. आपको मालूम है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म? या और सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको. जब भी आपको कभी भूख लगती है, व्हेनेवर यू फील हंग्री गाइस, देन व्हाट डू? यू गो टू योर मॉम. ओके, एंड नॉर्मली यू वुड आस्क, और जो भी एल्डर होगा घर में नॉर्मली उनसे बोलोगे. एंड इफ यू नो समथिंग हाउ टू कुक, unlike I am a duffer, so I don't know anything how to cook. I can only cook boiling water. But anyway, so यदि आपको बनाना आता है तो आप बनाओगे, but otherwise normally you will go to mom and say. Now जब अपने खाना मान लो mom ने आपको बना करके दिया है, तो क्या उसके लिए mom is going to ask you for some money? No, मम्मी पैसे क्यों मांगेंगे सर? मान लो मम्मी ने दाल तड़का बनाई है, तो सर दाल तड़का के 300 rupees. Of course mom की दाल है guys, so it is a 5-star दाल है, so 300 rupees. Okay, 700 rupees, 600 rupees, anything. No, mom does not charge. Remember, जब आप घर पे होते हो, घर पे होते हो, अपनी टेरिटरी में होते हो, तो आपको किसी भी चीज के पैसे नहीं देने होते.
बट जब आप अपनी टेरिटरी छोड़ करके बाहर जाते हो, मान लो कहीं घूमने के लिए गए, से महाबलेश्वर, से मनाली, से शिमला, से मसूरी, से कन्याकुमारी, वेर एवर यू फील लाइक गाइस, उस जगह पर जब जाओगे तो दैट इज नॉट योर टेरिटरी. इफ दैट इज नॉट योर टेरिटरी, सो यू नीड टू पे चार्जेस. इतना ध्यान रखना, दैट इज द ट्रिक नंबर 3. सो व्हाट वाज ट्रिक नंबर 1? ट्रिक नंबर 1 इज जो भी एंगल होगा, पहले आपको वो ध्यान रखना है कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है. ट्रिक नंबर 1. ट्रिक नंबर 2, ऑड एंड इवन रूल, केवल इन नंबर्स पर ध्यान रखना. और जब भी आंसर दोगे, मैंने आपसे पूछा 90 इवन और ऑड? सर ऑड. और 270 इवन और ऑड? 270 सर ऑड. लाइक दिस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ट्रिक. तो रोमिंग चार्जेस वाली जो ट्रिक है, या टेरिटरी में पे किसको करना पड़ता है. सपोज कर लो मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा. ये साइन डिग्री का है, वो जो छोटा सा जो डॉट बनाया हुआ है, दैट इज अ डिग्री साइन. साइन 90 माइनस थीटा, प्लीज रिमेंबर वंस अगेन, आप डिग्री के बिना कुछ भी नहीं कर सकते. So you have to write this degree, okay? Sine 90 minus theta. Now how will you write sine 90 minus theta? Solve कैसे करोगे इसको? Very simple. Sine यहाँ पर कौन सा number दिया है? 90. और always ध्यान रखना, theta की value has to be less than or equal to 90. Okay? Now let's say sine 90 minus theta. अब मैं आपसे हमेशा पूछूंगा, sine 90 minus theta कौन से quadrant में आएगा? सर नहीं समझ में आ रहा, कैसे? वेरी सिंपल, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम ही होगी, एंड कॉमन सेंस, थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. थीटा जीरो से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए. तो यदि आप जीरो और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, तो ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? कॉमन सेंस, फर्स्ट में ही आएगी. क्यों? मान लो मैंने 20 डिग्री माइनस किया, तो 90 माइनस 20 इज 70, विच इज गोइंग टू बी फर्स्ट क्वाड्रेंट. So, आपको इतना मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, नाउ साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा कैसे सॉल्व करोगे? वेरी सिंपल, ये फंक्शन पहले देखो, इज दिस ऑड और इवन? सर ऑड. ऑड का मतलब मैं दोबारा पूछूंगा, चेंज और नो चेंज? सर चेंज. चेंज इनटू व्हाट? सर कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस में हो जाता है. तो व्हाट इज योर आंसर? कॉस थीटा. ओके, नाउ अभी मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी. नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, एंड गाइस इसके बाद में बिलीव मी आप आरडी शर्मा ऑफ क्लास 11th उठा लो, एंड स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स आप इजीली कर लोगे. लेट्स सी हाउ. फर्स्ट यहां पर एक सिंपल ट्रिक इज एड शुगर टू कॉफी. सबके पहले वाले लेटर्स देख लो, एड शुगर टू कॉफी. व्हाट डू यू मीन बाय दिस एड शुगर टू कॉफी? ए का मतलब होता है, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव, एंड साइन का उल्टा वाला भाई कोसेक पॉजिटिव. और टी का मतलब होता है टैन पॉजिटिव, और टैन का उल्टा वाला भाई कॉट पॉजिटिव. एंड सी का मतलब होता है कॉस पॉजिटिव, और कॉस का उल्टा वाला भाई इज सेक पॉजिटिव. दैट्स ऑल. सर कुछ समझ में नहीं आया. आई नो पहले दिन यही गड़बड़ी होती है, और कल तक इट विल बी फन. नाउ लेट्स सी वंस अगेन दिस क्वेश्चन. सबसे पहला वाला पार्ट इसको भूल जाओ, कोई काम का नहीं हमारे. 90 ऑड और इवन? ऑड. चेंज और नो चेंज? ऑफ कोर्स चेंज. इनटू व्हाट? कॉस थीटा की जगह थीटा एज यूजुअल आ जाएगा, जो भी बाद में लिखा होता है वही वाला पार्ट वापस से आ जाएगा. लास्ट पार्ट, अब इसका जो माइनस या प्लस का साइन, आगे साइन कौन सा लगेगा माइनस या प्लस का? आप लोगों ने पहली ट्रिक में क्या बोला था, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है? एड. एड का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव. इसका मतलब ये धर्मशाला की तरह,
यहाँ साइन पॉजिटिव हो, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, जब भी कोई चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी वो हमेशा प्लस साइन के साथ में ही आते हैं. सो ये हो गया. तो साइन 90 माइनस थीटा शुड बी इक्वल्स टू पॉजिटिव कॉस थीटा. लेट्स सी दिस. इसका मतलब यदि मैंने कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया साइन 90 माइनस 45 डिग्रीज, तो आप यहां पर साइन 45 भी लिख सकते हो. बट प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि 90 माइनस 45 है साइन 45. अब यदि मैं रूल लगाऊंगा तो लेट्स सी क्या बनेगा. वो साइन 90, केवल इसको देखना है, ऑड और इवन, ऑड, चेंज और नो चेंज, चेंज, चेंज इनटू व्हाट, कॉस, और आगे की डिग्री एज इट इज, करेक्ट. लेकिन सर इसके आगे प्लस या माइनस का साइन, साइन 90 माइनस 45, 90 माइनस 45, 45 भी होता है. 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं. सर आंसर इज कॉस 45. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 45? आंसर इज 1/√2. और आप टेबल से चेक कर लो, आप साइन 45 देखो या कॉस 45 देखो, दोनों की वैल्यू 1/√2 ही आएगी. टेबल में चेक कर लेना. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक कॉट 90 प्लस थीटा. कॉट 90 प्लस थीटा, कॉस नहीं, कॉट. अब कॉट 90 प्लस थीटा को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहला रूल काम का है, नहीं छोड़ो उसको. 90 ऑड और इवन, ऑड. चेंज और नो चेंज, चेंज. कॉट विल चेंज इनटू टैन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टैन थीटा. अब बात आती है कि इसके आगे साइन कौन सा आएगा. साइन के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट ट्रिक, क्वाड्रेंट कौन सा है. कॉट 90 प्लस थीटा का मतलब 0 और 90 के बीच में कोई भी एक वैल्यू अपने मन से ले लो, 10 डिग्री ले लो. तो 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100. 100 फर्स्ट में आता है क्या? नहीं, वो तो 90 तक है, तो सेकेंड में आएगा. सेकेंड क्वाड्रेंट किसका होता है? एड शुगर, शुगर का मतलब साइन और कोसेक का. लेकिन यहां पर फंक्शन इसको मत देखना, केवल इसको देखना. कॉट क्या साइन और कोसेक वाले की टेरिटरी में है, मतलब अपने घर से बाहर है, तो इसको रोमिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, होटल का बिल पे करना पड़ेगा. तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट विल बी माइनस टेन थीटा. सो कॉट 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा. लेट्स सी नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑन टू दिस. कॉट 90 प्लस 60 डिग्रीज, या और सिंपल ले लेता हूँ, कॉट 90 प्लस 30 डिग्रीज. यदि आप इसको नॉर्मली ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कॉट 120 डिग्रीज. और यदि आप इसको एक्चुअली में ऐसे करके देखना है आपको, तो कैसे करोगे, कॉट 90 प्लस थीटा, रूल नंबर वन, ऑड और इवन, ऑड, चेंज और नो चेंज, नो चेंज. Of course, common sense, it will be change. So change into what? Cot will change into tan. तो आप यहाँ पर लिखोगे tan 30 degrees, 90 plus 30, 120. 120 comes in the second quadrant. Second quadrant cot का नहीं होता, वो तो sine और cosec का होता है. Roaming charges देने पड़ेंगे. Answer आएगा minus, and answer is minus 1/√3. So with this help, you can solve any question whatsoever you feel like. Okay? सो गाइस, मैं अभी के अभी यहाँ पर, या आई विल बाय द वे यू नो क्लिक अ फोटोग्राफ एंड देन आई विल सेंड इट ऑन टू यू. सो मैं बाय द वे एक शीट भेज दूंगा एंड विच यू हैव टू सॉल्व इट एंड गिव इट टू मी टुडे इटसेल्फ. ओके, थैंक यू गाइस सो मच. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस. मैं कल दोबारा से यहाँ पर सेम वाला पार्ट चालू करूंगा. ओके, सो दैट इट विल बिकम मोर क्लियरर. ओके, फाइन गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ लवली डे, बाय बाय.